हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़ में। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल हलवा, या फिर मूंग दाल शीरा भी इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत नरम है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के नीचे एक ऑप्शन है सब्सक्राइब, रेड कलर का, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब मूंग दाल हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने ये ओवरनाइट सोक करी थी मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल एक बोल लिया है। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे पहले भी गर्म पानी में या सादा पानी में भिगो के रख सकते हैं। जितना हमने मेजरमेंट दाल का लिया है, सेम क्वांटिटी में हमने शुगर लिया है और उसकी आधी क्वांटिटी देसी घी। ये हमने गार्निशिंग के लिए बादाम के छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं, और ये हमने 2 से 3 इलायची का पाउडर लिया है। और हमें एक कटोरी दाल के लिए 1.5 कटोरी हमने दूध लिया है। तो सबसे पहले हम ये दाल को अच्छे से पीस लेंगे बारीक करके, 3 से 4 बार में या 2 से 3 बार में, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके इसको पीस लेंगे। पीसने के लिए अगर हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़े, 1 से 2 चम्मच, तो वो ऐड कर लेंगे। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी की हमें दाल पीस के तैयार करनी है। अगर आप इसको ज़्यादा मोटा रखेंगे तो दानेदार टेस्ट आएगा हलवे का, बारीक रखेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हम बचे हुए मिश्रण को भी तैयार कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का हमने दाल को पीस लिया है, ताकि एकदम मुंह में घुलने वाला हलवा बन के तैयार होगा। सबसे पहले हमने गैस ऑन करके कढ़ाई ली है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। घी हल्का सा गर्म होने देंगे। अभी घी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये दाल पीसी हुई डाल देंगे। धीमी आंच पे हमें इसे चलाना है। तो ये हमें कॉन्स्टेंटली चलाना पड़ेगा, वरना तो इसमें गुठलियां जैसी पड़ जाएंगी। तो हमें ये अच्छे से लगातार चलाते रहना है। दाल को अच्छे से भुनने में 30 से 45 मिनट आराम से लगते हैं। वो बाकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, इतनी क्वांटिटी में 30 से 40 मिनट आराम से लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं दाल भुनना शुरू हो गई है, लेकिन हमें इसको तब तक भुनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए और दाल एकदम बिखरने लगे, अलग अलग हो जाएगी। तो हम लगातार इसको चलाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से इवनली भुन सके। तो इधर हमने ये दूध लिया है, तो इसको हम गैस पे रख के इसको बॉईल करेंगे। इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं दाल हल्का हल्का बिखरना शुरू हो गई है। तो अब इसको 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हमें 15 से 20 मिनट और लगेंगे। इसको लगातार धीमी आंच पे हमें ऐसे चलाते रहना है ताकि ये इवनली भुन सके। तो ये आप देख सकते हैं दाल कैसे बिखरना शुरू हो गई है, और दाल ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट भुन के तैयार हो गई है।
तो 5 से 7 मिनट के लिए और अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दाल बिखर के अब बाद में घी को पी लिया है, अच्छे से भून के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें काफ़ी सारे बुलबुले जैसे उठेंगे, तो आप एक ढक्कन को ऐसे लेके ऐसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करते हुए हमें पूरा दूध ऐड करना है। पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें चीनी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और लगेंगे। तो अच्छे से धीमी आंच पे से चलाते रहना है। ऑलमोस्ट हलवा बन के तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हलवा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए सर्विंग बोल में डालेंगे। ये हमने सर्व कर लिया है। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए बादाम के पीसेस डालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से हलवा बनके तैयार हो गया है। तो इसे आप चाहे तो गर्म भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ठंडा करके 4 से 5 घंटे के लिए रख के फिर खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाय फ्रेंड्स, हमारी डिश बनके तैयार हो चुकी है। प्लीज़ घर पे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।